यूनाइटेड कोर्ट टीआरएस उम्मीदवार को दीजिए। और कल जो है, कल हिंदुस्तान के वजीर आजम हैदराबाद को आए, आइए वो बात करें। हम लोग हैदराबाद में क्या बोलते, न्याय चिचोरे के मुंह को नहीं रखना। न्यूज जो है बोले कि टीआरएस की गाड़ी के स्टेयरिंग पे मजलिस बैठी हुई है। तो आपको बैठने को दर्द दे रहा आपका? हमारे बच्चे रोडों पर टैक्सी चलाते नहीं चलाते, छोटा सुमो बड़ा सुमो चलाते ना, टैक्सियां चलाते, आपको तकलीफ है क्या उससे? अगर मेरा नाम असद है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो आपको तकलीफ क्यों होगी? आपको इतनी नफरत क्यों है हमारे से? आप बोल रहे कि हम स्पीड ब्रेकर हैं। मिस्टर मोदी, ये हैदराबाद है पाशा, ज्यादा नहीं भरा नहीं भागता बोलते हम लोगों को। हम लोग पहले बोलते न्याय ने बहुत दौड़ रहा, जरा पैरा तो पकड़ो इसके। यहाँ नहीं भाग सकते आप ज्यादा, जितनी हमारी स्पीड हम बोले उतनी स्पीड में भागना। और हमारी स्पीड कैसी है? 16 टीआरएस जीतेंगी, एक शेरवानी जीतेंगी। बड़ी तकलीफ है इन्हें। बड़ी बोल रहे कि मजलिस जो है स्टेयरिंग पे बैठी हुई है, मजलिस जो है स्पीड ब्रेकर है। मोदी, स्पीड ब्रेकर का काम क्या है? स्पीड को रोक देना। हम जो है तुम्हारी स्पीड को रोक दिए, अब तुम्हारी स्पीड नहीं चलने वाली है। अब इन्हों क्या क्या बोल रहे, चिचोरे के मुंह नहीं लगना बोला ना मैं, इन्हों हमारे मुंह को लगे। अब सुनो आप, इन्हों बोल रहे कि कल के पुराने शहर में तरक्की नहीं हो रही। आप क्या कर रहे भाई, हैदराबाद के लिए कितने पैसे दिए आप पुराने शहर के लिए बोलो? पार्लियामेंट में इतने सवाल उठाया हमें, इतने बार बोला आपने, क्या ग्रांट दिया बताओ? कुछ रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, आप खाली जबानी खर्च। आपका नाम चौकीदार नहीं, झूठा, झूठों का बादशाह होना चाहिए। झूठ और मोदी एक साथ, झूठों का बादशाह आप हमारे मुंह में। अब सुनो आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, अहमदाबाद में एक इलाका है जोहापुरा, जोहापुरा में 4 लाख की आबादी है, वहां पर पूरे अहमदाबाद का जो दवाखानों का कचरा होता, वो जो इंजेक्शन बच जाते हैं, पट्टियां दवाएं जो बच जाती, पूरा लाकर जोहापुरा में फेंकते। 4 लाख की आबादी मुसलमान रहते वहां पर, बताओ आपके दौर में नहीं हुआ? इन्हें बोल रहे कि इधर कुछ नहीं होता। मिस्टर मोदी, शुरुआत एक वाकया, एक बार क्या हुआ, रमजान आ रहा माशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको रमजान नसीब फरमाए, पूरे रोजे रखे। तो क्या होता, रमजान आया तो अपने लोग खड़े रहे, देखते रहे, चांद निकला नहीं निकला, चांद नहीं निकला। अब घर किधर भी होगा बेचारा, दिखा पाशा चांद किधर दिखा क्या? तो वही से एक मरतबा क्या हुआ, लोग खड़े रहे चांद देख रहे थे, तो इतने में क्या हुआ, एक बैतुल खला से गदमी निकला करते हुए। मैं क्या हो रहा है, लोग बोल रहे चांद देख रहे हम लोग, अहमद साजी स्टाइल बोले चांद देख रहे, तो इनको चांद दिखता ही नहीं कुछ भी, इनको दिखता ही नहीं कुछ भी, चांद नहीं दिखाई, बदबूदार है चांद। ये बीजेपी वाले कैसे मालूम आपको, निशंक परिवार के लोग, एग्जाम्पल दे रहे हो। एक मरतबा एक आदमी जो है अपने आप को बहुत गुरूर ताकतवर समझता था, उसके चाहने वाले बोले भाई दिल्ली जाने का है, कैसा जाऊं? तो लोग बोले जा सिकंदराबाद स्टेशन से ट्रेन ले ले। वो क्या होती है, जामा जा मालूम होता, तो सौ बार जो है दिखा रास्ता, आ जा आ जा आ जा आ जा, चले जा क्या दिल्ली देखे चल रहे। उनका काम यही से ये संघ परिवार के लोगों का कुछ नहीं मालूम। इनको आप बोले रे आईने में फोटो देख ले अपनी, तो बोले नहीं दिख रहा। अरे देख पोस्ट के दिखाए हसन गालिब में, नहीं जानता। अरे देख नहीं दिख रही फोटो मेरी। आखिर में हसन गालिब बोले अरे तो आईने को पीछे देख रहा, अरे आईने को देख। तो इनका हाल ऐसी है, आईने को नहीं देखते, आईने के पीछे देखते हैं। और मोदी साहब कल तकरीर में बोल रहे मैं ट्रिपल तलाक की जो औरतें हैं उनसे अपील कर रहा हूं, मेरा साथ दो आप हिंदुस्तान के वजीर आजम, खुदा के लिए आप और औरतों से इंसाफ तो मत करो भाई, प्लीज
अब लगा छिछोरे मुंह खोले तो फिर बात दूर तक जाती। हमारे घर में है माशाल्लाह, इन लोगों के पास तो एक एक दो दो तो बढ़के होंगे। और हम यही बोलते घर को जाते कि हम टाइट हो जाते, कुछ नहीं बोल सकते। इनका प्रॉब्लम क्या है ना, अंदर ना बाहर, खाली झूठ 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 बोल बोल। इन्हों बोल रहे कि मैं ट्रिपल तलाक की औरतों से इंसाफ करूंगा। क्या इंसाफ करेंगे आप? और इंसाफ जम्मू में वो बच्ची 11 साल की, उसका रेप हुआ, उसकी ताईद में आपकी पार्टी के लोग, आप इंसाफ करेंगे? अखलाक को मारा गया, उसकी मां बेटे से महरूम हो गई, उसकी बीवी बेवा हो गई, आप इंसाफ करेंगे मोदी? गुरुग्राम में आपके घर से 40 मिनट के फासले पर एक बच्ची ने वीडियो निकाला, आपने देखा होगा, कि छत पे दौड़ रही है कि मेरे अब्बा को मार रहे, मेरे अब्बा को मार रहे, आप इंसाफ करेंगे? आप पर इंसाफ और कौन से नहीं मोदी साहब। अगर इंसाफ करना था तो आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे जब ज़किया जाफरी के सामने उसके 70 साल के शौहर के जिस्म के 25 टुकड़े करके जला दिया गया, आप इंसाफ करें ज़किया जाफरी से? माया कोटनानी मेरी मिनिस्टर थी, आपकी थी, बाबू बजरंगी आपका मिनिस्टर था, मेरा मिनिस्टर था, पर मोदी हिंदू मुस्लिम की बात किए कल, मिस्टर मोदी मत बात करो आप इतनी ऐसी जबान में बात करें, मुझे यकीन है कि आप इससे और नीचे गिर सकते। मगर वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, आपसे मेरे को उम्मीद नहीं थी, मगर आपने किया जरूर। मगर प्राइम मिनिस्टर एक बात याद रखो, हिंदू मुस्लिम अगर आप करेंगे तो बताओ महात्मा गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे कौन था? क्या आप उसके खिलाफ बोलेंगे मोदी? क्या सावरकर की फोटो आपके ऑफिस में लगी हुई है? जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि सावरकर मुलविस था। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी सता और माँ और बहनों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, 11 अप्रैल को पूरे एतमाद के साथ, कांग्रेस तो है ही नहीं, उन्हें टाई टाई हो गया, उसका कोई काम नहीं है, हमको अपनी पार्टी को कामयाब करना है, और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल करने के लिए। इलेक्शन होने के 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि तमाम डेवलपमेंट के काम शुरू करेंगे। मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।